सरकार आपकी द्वार हमने पहला चरण में शुरू किया और उसके बाद जब हमारा विधानसभा आउट हुआ था उस समय हमारे इस राज्य के सभी विधायकों ने और सभी सांसदों ने कहा था सरकार आपकी द्वार जैसा योजना कार्यक्रम और भी चलते रहना चाहिए और इस बात का मुझे पूरा उम्मीद था कि लोगों को इस योजना से उसका उत्साह बढ़े। आपको बता दें कि जब हम लोग सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चलाए थे पिछले साल लगभग 6000 शिविर हम लोगों ने लगाए पूरे राज्य में और उस 6000 में लगभग 35-40 लाख आवेदन आए और 35-40 लाख आवेदन आए कुछ तो वही कैंप के शिविर में उनका समाधान कर लिया गया और जो वहां के लायक नहीं था और राज्य हेडक्वार्टर से उस 99% समस्याओं का समाधान हमने उनका कर दिया और आज बड़ी खुशी की बात है कि सरकार आपके द्वार का दूसरा चरण जहां आपके लिए योजना ले लेकर के सरकार के पदाधिकारी कर्मचारी आपके पंचायतों में आपके दरवाजे में आपके घर के सामने आके खड़े हैं और वही आपकी समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। 5 दिन हुआ है इस कार्यक्रम को शुभारंभ हुए। 12 तारीख को गिरिडीह से हमने इसको हरी झंडी दिखाई थी और आपको हम बता दें कि 5 दिनों में 5.5 लाख आवेदन हमको प्राप्त हुआ है। आज ये विशेष अभियान के माध्यम से हमारा उद्देश्य अधिक से अधिक इस राज्य सबसे अंतिम व्यक्ति तक जो खड़ा है उस तक पहुंचने का हमारा लक्ष्य। जहां पदाधिकारी कभी जाते नहीं थे वहां पर कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई ट्रैक्टर में बैठ के जा रहा है, TCS में लोग कोई मोटरसाइकिल में, कोई पैदल, कोई साइकिल में जा जा करके इन योजनाओं का लाभ ग्रामीणों को दे रहा है। बोकारो जिला इसको औद्योगिक जिला भी कहा जाता है, एशिया का सबसे बड़ा लोहा का कारखाना हमारे इसी बोकारो जिले में लगा।